बीते 29 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कदौरा कोतवाली क्षेत्र के गांव मरगाया में चोरों द्वारा एक चोरी को अंजाम देकर गांव में स्थित राम जानकी मंदिर से अष्टधातु से बनी राम दरबार की मूर्तियों को चुरा लिया गया था। चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद जालौन पुलिस लगातार उन चोरों की तलाश में जुटी थी। उसी क्रम में आज जालौन SOG और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने अष्टधातु से बनी राम दरबार की मूर्तियों को चुराने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। जालौन SP रवि कुमार ने बताया, मूर्ति चुराने वाले गिरोह में एक महिला के साथ 4 अंतर जनपदीय चोर शामिल थे, जिनके पास से मंदिर की मूर्तियों को बरामद कर चोरों को जेल भेज दिया गया है। देखिए, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसमें कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और ये थाना कदौरा में जो एक मरगाया गाँव में चोरी हुई थी, मूर्ति की चोरी हुई थी, उसी के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसमें वादी श्री गोविंद सिंह पुत्र सुगर सिंह निवासी ग्राम भिड़ीपुर खुर्द थाना कदौरा जनपद जालौन के द्वारा सूचना दी गई थी 29 तारीख को मंदिर से राम जानकी मंदिर ग्राम मरगाया से मूर्तियाँ चोरी हो गई है। और इसी संबंध में थाना कदौरा पर क्राइम नंबर 180/22 457/380 की धाराओं में पंजीकृत किया गया था। उसके बाद SOG और सर्विलांस की टीम ने काफ़ी अच्छा गुड वर्क किया है और ये पूरी घटना को वर्कआउट किया गया है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 लोग, एक स्वतंत्र और दूसरा शशांक, ये दोनों कानपुर नगर और कानपुर देहात के रहने वाले हैं। ये लोग गांव में मंदिर पर जमीन को लीज पे लेने के बहाने वहां पे आए थे, मंदिर पर रुके थे और रात्रि के समय में इन लोगों ने चोरी की थी। और इनको पीछे से ऑपरेट करने वाली एक महिला भी जो है वो भी गिरफ्तार की गई है, जो इनसे इस तरह की घटनाएं कराती है। और इन्होंने जो जब मूर्तियां चोरी की, उसके बाद मोटरसाइकिल से कदौरा से लेकर भागे ये लोग। इन्होंने उनको लगा कि मूर्तियां अष्ट धातु की है और उसके अंदर में हीरे मोती हो सकते हैं। इस चक्कर में उन्होंने मूर्तियों को काट दिया था रास्ते में ही, जैसे ही भागे ये लोग। और उसके बाद उन लोगों ने उसको गला के बेचने का प्रयास किया था, यद्यपि जब इन्होंने गलाया तो रांगा की मूर्तियाँ निकली और कबाड़ी को जिसको बेचा था सोमचंद जायसवाल, उसको भी पकड़ा है हमने। और जब ये एक मूर्ति काटने के बाद इनको नहीं मिला, तो उसके बाद इन्होंने दूसरी मूर्ति को वहीं पे एक छोटी सी नदी है पांडू नदी, उसमें फेंक दिया था, जिसको फेंकी हुई मूर्ति को भी गोताखोरों के माध्यम से काफ़ी सघन तरीके से चेकिंग कराई गई और फिर ये रिकवर किया गया, जो अभी आपके सामने मूर्ति रखी हुई है। तो इस तरह से इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाना कदौरा से जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके पुराने आपराधिक इतिहास भी कुछ ज्ञात हुए हैं और उनको भी संज्ञान में लेकर इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इनके संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। कितने दिनों से ये योजना बना रहे थे जिस घटना को अंजाम दिया गया, इससे पहले भी इस तरह कोई घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, इस तरह की एक घटना जो अभी तक हम लोगों के संज्ञान में आई है। इन्होंने ये 2 घटनाएं इस तरह की जो है ये कानपुर नगर की है, 1-2 घटना उसमें संज्ञान में आया, बाकी अभी पूछताछ जारी है। जिस तरीके की गई उन लोगों की, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन में डिटेल आएगी आप लोगों से साझा किया जाए।